हेलो एर बेडी छेड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आपने देखा होगा कि जितने भी वीडियोस में ये रात के आठ बजे आ रहे हैं इसमें मैं आपको नंबर सिस्टम एकदम डिटेल में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले के जितने भी वीडियोज़ आपने सभी को देखा मस्त तरीके से आपने नोट्स बनाए अभी तक जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं चाहे वो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड हो यूनिट डिजिट वैल्यू हो लास्ट टू डिजिट हो फैक्ट्राइजेशन हो स्पेशल क्वेश्चन हो आज भी ऐसे देखेंगे स्पेशल क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि उन सेशन्स को देखें बढ़िया से नोट्स बनाएं देखिए क्वांट जो होता है मतलब एप्टीट्यूड जो आप बोलते हैं बेसिकली क्वांट उसमें उसको आप देखेंगे तो दो ही टॉपिक होता है एक होता है नंबर्स या नंबर सिस्टम और दूसरा होता है ज्योमेट्री नंबर्स या नंबर सिस्टम जो आप बोल रहे हैं इसमें एक नंबर्स को अगर आप डिवाइड करेंगे दो पार्ट में डिवाइड होता है पहला होता है एरिथमेटिक्स दूसरा होता है एल्जेब्रा हम जो भी देख रहे हैं प्रिसाइसली अरिथमेटिक्स वाला सेक्शन देख रहे हैं इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग एल्जब्रा की तरफ जाएंगे मस्त तरीके से नोट्स बनाते चलेगा मेरे साथ में हर चीज़ जो हम लोग मैं आपको होता हूँ डॉक्यूमेंट करते चलेगा आप देखिएगा आपकी प्रिपरेशन में गज़ब का फर्क पड़ेगा सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले तीन मैजिकल वर्ड्स लिखिएगा प्रैक्टिस परफॉर्म एंड रिपीट दैट्स इट दैट्स द नेम ऑफ द गेम प्रैक्टिस परफॉर्म रिपीट बस और इसके अलावा और कुछ नहीं आप जहाँ पर भी होंगे जो भी आपकी इनविटेबल रियलिटी होगी दुनिया की सच्चाई होगी जो आपकी वहाँ से ये सोचेगा मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है मैं जहाँ पर भी हूँ यहीं से गजब तरीके से एफर्ट करूँगा और यहाँ से लाइफ ऐसे चेंज होती है यार या तो इंसान इंस्पायर इतना हो जाए कि मैं ये तो बनूँगा तो डेस्परेट हो जाए मैं ऐसा तो नहीं रह सकता चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज भी हम लोग चलते हैं क्वांट में और इस क्वान्ट में हम लोग देखते हैं स्पेशल क्वेश्चंस राइट तो हम लोग चलते हैं सीधे सीधे क्वांट में कौनसेप्ट ये तो हम चलते हैं ये रहा हमारा क्वांट हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ नंबर सिस्टम मस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते जाइएगा एकदम बढ़िया से सब कुछ लिखते जाइएगा आपको देखिएगा मज़ा आएगा अब आज की तारीख में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कुछ स्पेशल क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे एप्टीट्यूड का सिलेबस सिमिलर ही रहता है क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम ज़्यादा होता है तो कंसेप्ट तो अच्छे से बनाइएगा जैसे एग्जाम्पल के तौर तो पर आपको बताता हूँ अभी 2014 में एक एग्जाम में 2014 क्या यार ये एग्जाम ना हर ये क्वेश्चन ना हरे एग्जाम में पूछा जाता है जैसे कि एसएससी में सीएचएसएल में एक सवाल पूछा कि टू में इतना बेसिक सवाल जिसमें उन्होंने पूछा कि भाई जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा प्राइम नहीं है तो सबसे पहला तो पॉइंट हमारा यही आता है कि प्राइम नंबर बोलते किसे हैं मुझे पता है कि आप में ज़्यादातर लोगों ने सारे वीडियोस देखे होंगे जिन्होंने नहीं भी देखा होगा तो सारे वीडियोस देखते चलिएगा मस्त रहेगा प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो ख़ुद से डिविजिबल होते हैं जो या तो ख़ुद से डिविजिबल होते हैं एंड वन से डिविजिबल होते हैं इसके अलावा किसी से डिविजिबल होते नहीं है पॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ की जरूरत पड़ती है कि इस रेंज में कितने प्राइम नंबर्स हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये सारे की सारी चीज़ें आप बढ़िया से लिख लें वन से लेके के हंड्रेड

कि नीचे गए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बेसिक सा पॉइंट है ध्यान से देखिएगा इन्होंने जो ऑप्शन दिया था वो है एटी नाइन प्राइम नहीं है ना ध्यान रखिएगा मतलब प्राइम है ये मत निकालिएगा प्राइम नहीं होना चाहिए मतलब बाकी सब तो प्राइम होंगे और एक कोई ऐसा होगा जो उससे ज्यादा लोगों से डिविजिबल होगा राइट ये हो गया एट सेवन एटी सेवन थर्ड हो गया 9797 एंड फोर्थ हो गया 7979, राइट right? देखिए जब कभी भी ना इस तरह के क्वेश्चन आए और आप जब ढूंढें कि यार बंदा मतलब ये नंबर प्राइम है कि नहीं है और ऑड नंबर दिखे तो ऑड नंबर ऐसे छोटे नंबर से वैसे भी ऐसा नहीं कि तीन तीन चार चार छः छः डिजिट के नंबर है छोटे छोटे नंबर हैं तो यार सीधी सी बात ये है कि इस तरह के केसेस में ना थ्री सेवन नाइन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन इतना काफी इन्हीं से डिजिबल होंगे किसी से राइट सबसे पहले अपन थ्री से ही चेक कर लेते हैं ना थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है अगर कैपिटल एन एक नंबर है जिसमें ए बी सी थ्री डिजिट है तो थ्री का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि तीनों डिजिट्स का सम मतलब डिजिट सम ये कहला है डिजिट सम अगर डिजिट सम थ्री से डिविजिबल है तो नंबर भी थ्री से डिविजिबल है अगर डिजिट सम थ्री से डिविजिबल तो नंबर भी थ्री से डिविजिबल राइट तीनों में करके देखते हैं नाइन प्लस एट सेवनटीन ये तो क्या ही होगा यार तो डिविजल नहीं है थ्री से एट प्लस सेवन फिफ्टीन गया थ्री से रिविजल है तो ये तो अपने आप दिख गया कि ये प्राइम नहीं है इस ये रहा हुआ आंसर जो ये वाला क्वेश्चन आया था टू में सी एच एस एल के एग्जाम में बढ़िया तो ये तो अपने आप आंसर आ गया तो ना अगर नहीं भी आता तो हम लोग क्या करते पता है हम लोग चेक करते हैं थ्री फिर सेवन का मल्टीप्लिकेशन टेबल फिर एलेवन फिर थर्टीन फिर सेवनटीन और ये नाइनटीन ये ऑर्डर रखिएगा आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी सर इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में चलो अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो 2016 में गेट के एग्जाम में 2016 में आई एस बैंगलोर ने पेपर बनाया था और 2016 में उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था क्या पूछा था उन्होंने ये पूछा था ऑड वन आउट पिक करना था चलिए तो ये पिक करना था ऑड वन आउट ध्यान से देखते आएगा ना मस्त तरीके से एक एक कंसेप्ट को बनाता जाएगा आपको मस्त मजा आएगा बढ़िया से देखेगा सारी की सारी चीज़ें ऑड वन आउट में ये दिया था उन्होंने थर्टीन ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री फोर्टी थ्री एंड फिफ्टी थ्री इन सभी में से ऑड वन आउट कौन सा है चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आराम से मस्त से देखिएगा आपको मस्त मज़ा आएगा राइट देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ वही प्राइम कंपोजिट वाला खेल इन्होंने फिर से दिया हुआ है थर्टीन एक प्राइम नंबर है ट्वेंटी थ्री एक प्राइम नंबर है फोर्टी थ्री एक प्राइम नंबर और फिफ्टी थ्री एक प्राइम नंबर है थर्टीन ट्वेंटी थ्री फोर्टी थ्री एंड फिफ्टी थ्री ये सभी के सभी क्या है ये सभी के सभी आपके हो गए प्राइम नंबर्स एकदम सुपॉप तरीके से क्लियर है कि नहीं कौन सा नंबर प्राइम नहीं है एकदम क्लियरली डिस्टेंटली विजिबल है वो नंबर और वो नंबर है थर्टी थ्री थर्टी थ्री को अपन पता है कि वन से भी डिविजिबल है थ्री से भी डिविजल है एलेवन से भी डिविजिबल है एंड थर्टी थ्री से भी डिविजिबल है कई बार क्या होता है इसी प्राइम कंपोजिट को रीजनिंग में भी देते हैं या क्वांट में भी जहाँ इनका मन हो जैसे टू थाउजेंड फोर्टीन में इसी प्राइम वाला ये प्राइम कंपोजिट वाला खेल इन्होंने दिया मतलब नंबर्स दिए और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट नंबर पूछा जैसे कि आपको दिखाता हूँ टू में आराम से देखते हैं ना एक एक चीज़ को बढ़िया से देखना तो उन्होंने नंबर्स दिए जैसे सेवन जी ये जानबूझ के नंबर्स दे रहे ध्यान से अगर आप कुछ देखना चलो आप खुद से नोटिस करो सेवन जी इसमें आपको कुछ मिल रहा है क्या एलेवन के थर्टीन एम और इसके बाद नेक्स्ट नंबर पूछा था यहाँ पे वीडियो को पॉज करना अगर कर चाहो तो पहले यहाँ तक आंसर देखो कि आप ढूंढ पा रहे मेरे हो मेरे ख्याल से ऑप्शन और की जरूरत नहीं है सेवन जी एलेवन के थर्टीन एम जरा गौर से जब आप उसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अल्फ़ाबेटिकली अल्फाबेटिकली क्या ए बी सी डी ई एफ जी सेवन्थ प्लेस पे जी आ गया ओ तो ये इन्होंने बेसिकली प्राइम नंबर ही दिया हुआ है ये यहाँ पे प्राइम नंबर्स दिया हुआ है और प्राइम नंबर का अल्फाबेट जो सेवन्थ प्लेस पर आता है जी एलेवंथ प्लेस पर आता है के थर्टीनथ प्लेस पे आता है एम नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा मैं आपको बता दूँ इसमें ना ऑप्शन भी आपके पास वैसे वाले होते हैं एक ऑड वाला ऑप्शन दे देंगे जानबूझ के आपको और एक प्राइम वाला ऑब्वियसली ऑड वाला आंसर नहीं होगा ऑड वाला तो कैसे ही आंसर होगा हमें चाहिए सेवनटीन्थ प्लेस सेवनटीन्थ प्लेस का मतलब सेवनटीन के साथ क्या आएगा आप सोच के देखिए चलो मैं एक काम करता हूँ इसमें भी ऑप्शन देता हूँ सेवनटीन के साथ पी आएगा या क्यू आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं उसको अपन देख सकते हैं थर्टीनथ हो गया एम एन ओ पी क्यू आंसर बता दीजिए मेरे ख्याल से काफी इतना आंसर देने के लिए तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास आंसर थर्टीन क्यू ये तो प्राइम कंपोजिट तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है और चलिए आगे इसी तरह से डिविजिबिलिटी मैंने आपको बोला कि डिविजिबिलिटी अभी थ्री की डिविजिबिलिटी पर आपसे बात किया राइट अभी हम लोगों ने देखा थ्री की डिविजिबिलिटी में डिजिट सम अगर थ्री से डिविजिबल नंबर थ्री से डिविजिबल करेक्ट है ना पॉइंट अभी 2018 और तकरीबन तक का डिजिबिलिटी रूल हर साल आता है बिलीव मी हर एक साल आपको थ्री का डिजिबिलिटी रूल मिलेगा एक नंबर इन्होंने दे दिया सेवन वन फाइव ये ब्लैंक में ये पूछा था कि कौन सी मिनिमम वैल्यू आएगी कौन सा मिनिमम डिजिट आएगा सच दैट ये पूरा का पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल होगा ये पहला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 थाउजेंड ये मेरा क्वेश्चन नहीं है ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन एक काम करते हैं इसका ही मैं सेकंड पार्ट भी करता हूं आप थ्री का डिजिबिलिटी रूल ले लीजिए चाहे नाइन का डिजिबिलिटी रूल ले लीजिए सेम होता है और वो क्या होता है डिजिट सम अगर थ्री से डिविजिबल तो नंबर थ्री से डिविजिबल डिजिट सम अगर से डिविजिबल तो नंबर नाइन से डिविजिबल क्लियर है सभी को और ना पता है क्या है यार लोग ना इसको ऐड कर करके नहीं देखते रहते मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं ये हो गया सेवन प्लस टू नाइन हटा दो नाइन तो थ्री से डिजबल हो गया ना हटाओ ये हो गया फाइव प्लस वन सिक्स हटा दो थ्री तो हाई डिबिजबल बचा क्या है फोर फोर के साथ मिनिमम वैल्यू आएगी टू फोर प्लस टू सिक्स खत्म हो गया ये हो गया सेवन सेवन प्लस टू नाइन हटा दो फाइव प्लस फोर नाइन ये हो गया थ्री प्लस वन फोर और इसके साथ यहाँ पर आ गया फाइव खत्म आंसर आ गया इतना बेसिक सर बिल्कुल इतना बेसिक आता है इनफैक्ट अभी जैसे मैंने आपको बोला प्राइम नंबर्स ये वो यहाँ तक सब साथ चल रहे हैं कि नहीं इस तरह के आपको बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में आराम आराम से चलते आएगा ना टू में एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने ये सवाल था टू का पहले मैं पैटर्न को ले लेता हूँ क्या था फिर आपसे पूछता हूँ जैसे मान लेते हैं अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा एग्जैक्ट क्वेश्चन दोनों बताता हूँ पहले उस पैटर्न को देख लेते हैं जैसे ये हो गया ट्वेल्व ठीक है अब मान लो अगर मुझसे मैं आपसे ये पूछूं कि 12 में मिनिमम क्या नंबर में मल्टीप्लाई करो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या मल्टीप्लाई करो सच दैट ई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए देखो मल्टीप्लाई तो अभी नंबर छोटा था आप आराम से कर दोगे लेकिन मैं ये कहता हूँ कभी भी ऐसा मत क्या करो जब भी कोई नंबर आपको देना इसको आप क्या करो परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करो किस में ब्रेक किया करो आप परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टर में मुझसे परफेक्ट स्क्वायर निकल गया था सॉरी परफेक्ट स्क्वायर का तो क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया करो राइट परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है कि मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने मैं एक्चुअली ये बोल बोलते बोलते वो बोल दिया था परफेक्ट स्क्वायर ठीक है मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट वी कैन हैव अ परफेक्ट स्क्वायर तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब भी कोई नेचुरल नंबर आपको दे सबसे पहली चीज़ क्या करो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले बहुत देर से ना मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ प्राइम नंबर्स डिविजिबिलिटी बाई टू डिडबिलिटी बाई थ्री इसी दोनों पर आपसे फोकस कर रहे हैं राइट प्राइम फैक्टर्स तो ट्वेल्व को मैंने तोड़ा तो ट्वेल्व निकला टू स्क्वायर इंटू थ्री अब आप खुद सोचो कि किस नंबर को आप बोलते हो परफेक्ट स्क्वायर जिस नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हो उसमें बेसिकली पावर क्या होता है उसमें पावर जो होता है वो होता है ईवन एकदम करेक्ट है पावर जो होता है वो होता है इवन यहाँ पर ऑलरेडी पावर है इवन अगर मैं इसके साथ थ्री मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे तो मिनिमम नंबर ऐसा नहीं कि मैं और मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं यहाँ पे थ्री क्यूब मल्टीप्लाई कर करूँ क्या दिक्कत है लेकिन स्मॉलेस्ट तो यहाँ पे जो मैजिकल वर्ड है वो है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है थ्री जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया यहाँ तक क्लियर है क्या जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था वो आपको दिखाता हूँ लेकिन उसके पहले अब आप ना वीडियो पॉज करो और ख़ुद से मुझे बताओ ट्वेंटी एंड फोर्टी के लिए मिनिमम स्मॉलेस्ट क्या मल्टीप्लाई करो सो दैट वी कैन हैव अ परफेक्ट स्क्वायर खुद से चाहो तो वीडियो पॉज कर लो अभी बना के देखो बना लिया सभी ने चलो देखते हैं हमने क्या बनाया सो so, ये हो गया ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को जब मैंने तोड़ा तो ये हो गया टू क्यूब इंटू थ्री फोर्टी एट को जब मैंने तोड़ा तो ये हो गया टू डू द पॉवर ऑफ फोर इंटू थ्री क्या बोला मैंने परफेक्ट स्क्वायर मतलब पावर इवन यार मैं क्या मतलब सीधी सी बात है ना तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर मैं इसको एक टू में दे दूँ और एक थ्री दे दूँ तो ये हो जाएगा टू टू दी पावर ऑफ़ फोर एंड थ्री का स्क्वायर तो ये रहा मिनिमम जो मैंने मल्टीप्लाई किया कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया राइट इसी तरह से अगर मैं लास्ट वाले को देखूँ सिर्फ एक थ्री मल्टीप्लाई करने से काम बन जाएगा भाई तो ये हो जाएगा टू टू दावर ऑफ़ फोर और ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर मस्त टाइप से क्लियर है ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर अच्छा जब इसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो यार परफेक्ट क्यूब भी ले लेते हैं ना परफेक्ट क्यूब परफेक्ट क्यूब में क्या होगा यार यार बहुत ही सिंपल सी और डायरेक्ट बात है परफेक्ट क्यूब जब आप ये वर्ड बोलते हो तो जो भी पावर है बेसिकली वो क्या हो जाएगा थ्री का मल्टीपल हो जाएगा अग्री करते हैं कि नहीं जो भी पावर है वो बेसिकली थ्री का मल्टीपल हो जाएगा चलो यहाँ पे ट्वेल्व में मतलब क्या होता है ट्वेल्व खुद क्या होता है ट्वेल्व होता है टू स्क्वायर इंटू थ्री चलो खुद से इस बार सोच के देखिए चाहे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए ट्वेल्व <coughs> होता है टू स्क्वायर इंटू थ्री तो मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करो सच दैट एक परफेक्ट क्यूब बने तो ये देखा हम लोगों ने टू स्क्वायर इंटू थ्री है यार बंदे को एक टू दे दो और उसके अलावा थ्री स्क्वायर दे दो, दो सब साथ चल रहे हैं कि नहीं मस्त टाइप से तो ये कुल मिला के हो गया टू का क्यूब और ये हो गया थ्री का क्यूब मस्त टाइप से हो गया सो गया टू का क्यूब और थ्री का क्यूब एकदम क्लियर हो गया कि नहीं भाई हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन गया चाहो तो वीडियो पॉज करो यही दोनों सिचुएशन यहाँ पर लगा के देखो आप यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ ट्वेंटी के साथ भाई दे ट्वेंटी फोर क्या होता है टू क्यूब इन थ्री एंड 48 के साथ 48 क्या होता है टू टू पावर ऑफ फोर इंटू थ्री सच दैट मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब आ जाए राइट right? चलो बना के देखो आप बना के देखा यहाँ पे ऑलरेडी थ्री है यहाँ पे पावर तो मैंने इसको क्या किया थ्री स्क्वायर दे दिया यहाँ पे फोर है तो मैंने इसको क्या किया टू का स्क्वायर दे दिया एंड थ्री का स्क्वायर दे दिया बन गया अब आ जाओ जो, जो क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया हुआ था 2017 में वैसे ये पैटर्न आपको ना हर एक एग्जाम मिलेगा मैं जो पैटर्न आपको बोलूँ ना इसको आप डॉक्यूमेंट जरूर करना जितनी भी चीज़ें मैं बोलता हूँ इस सब एग्जाम में आपको मतलब आएगी आपको मतलब आपकी आपकी इच्छा है उसमें यह बोला गया था कि 162 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ये y पूछा था सच दैट उन्होंने तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पूछा था मैं परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों पूछ लेता हूँ सच दैट वी कैन हैव अ परफेक्ट स्क्वायर सच दैट वी कैन हैव अ परफेक्ट क्यूब अच्छा राइट चलो देखते हैं क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं मैंने पहली चीज आपको क्या बोला जो भी नंबर आपको दिया था प्राइम फैक्टर तो मैंने यहाँ पे क्या देखा टू इंटू एटी टू दावर ऑफ फोर यार अब आप खुद सोचो ना ये जब दे रखा है टू इंटू थ्री टू दावर ऑफ फोर टू इंट थ्री टू दावर ऑफ फोर जब इन्होंने ऐसा दे रखा है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर मतलब इवन पावर ये लो टू ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोर तो है तो सिर्फ टू से मल्टीप्लाई करें काम बन गया क्या आपको चाहिए आपको परफेक्ट क्यूब चाहिए परफेक्ट क्यूब की तरफ आओ ये बंदे को मैंने दे दिया टू का स्क्वायर और थ्री स्क्वायर भूलना मत स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा हूँ मतलब थ्री स्क्वायर नाइन नाइन इंटू फोर ओके थर्टी सिक्स ये वाला कंसेप्ट अभी देखो एकदम ना एकदम बेसिक लेवल से अपन धीरे धीरे आगे चल रहे हैं एकदम मस्त तरीके से क्लियर है कि नहीं ये बताओ सर ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब इतना ज़्यादा पूछते हैं क्या यार आपको तो दिखा रहा हूँ मैं एकदम और वो भी देखो ए बी सी डी लेवल से मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर है कि नहीं जहाँ तक आपका एक पॉइंट था परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब का ये लो एक बार मेरे ही यहाँ के टेस्ट पेपर में मैंने एक सवाल दिया था मैं आपको बताता हूँ क्या सवाल मैंने ये दिया था एक बेसिक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन ये था क्या फोर फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है इसके पहले कि आप इस बात को मैं बताऊँ सुने आप खुद से सोचिए क्या लगता है आपको क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है परफेक्ट स्क्वायर कोई चीज कब होती है जब पावर हो जाता है इवन दैट्स इट राइट यार अच्छा भाई दो फैक्टोरियल तो अपन जानते ना यार मतलब थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ भाई थ्री इंटू टू इंटू वन जितने भी बच्चे हैं जो पहली बार यहाँ पे आए हैं वीडियो को देख रहे हैं मेक श्योर sure करना नहीं आठ बजे वाले पूरी सीरीज चल रही है एक एक वीडियो देखना मस्त टाइप से नोट्स बनाना आप देखना आपको बहुत डिफरेंस फील होगा आपकी पढ़ाई में बाकी आपकी इच्छा है ठीक है फोर फैक्टोरियल का मतलब हो गया फोर इंटू का फैक्टोरियल और ये हो गया थ्री का अरे यार ये तो क्या क्यूट टाइप का नंबर निकल गया कैसे ये रहा थ्री फैक्टोरियल ये रहा थ्री फैक्टोरियल मतलब बेसिकली थ्री फैक्टोरियल दो बार आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही गया इवन पावर मतलब भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर और फोर का मतलब क्या होगा ये रहा टू का स्क्वायर यस 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 ऑफ कोर्स परफेक्ट स्क्वायर है कोई डाउट ही नहीं है अग्री करते हैं कि नहीं इस तरह से जैसे इस बार आपसे गेट का पेपर में गेट के पेपर में एन आई टी भी आने लगा कि आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी आने लग गए है तो आपसे ऐसा ये ट्रूफॉल्स भी पूछ सकते हैं चलिए काम करते हैं अब आप सोचिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं मैं क्वेश्चन दे देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं अब मैं क्वेश्चन ध्यान ध्यान रखना कि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी एकदम वन पे चल रहा है ऐसा नहीं मत सोचना कि मैं कैट नहीं लूँगा कैट का भी क्वेश्चन लूँगा मैं चिंता मत करूँ आप ठीक है ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे एक एक करके कर देखना स्पेशल क्वेश्चन का मतलब ये है यार कि तभी तो मजा आएगा ना यार अरवाइज़ क्या मजा आएगा एकदम धड़ाक को एक ही बारे में बता दूंगा तो ठीक है, एक एक कर करके ना धीरे 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 आगे बढ़ेंगे ये रहा फैक्टोरियल फैक्टोरियल, खुद को एकदम से सीधा आंसर मत सुनना मतलब मजा नहीं आएगा उधर डायरेक्ट आंसर सुनोगे तो मजा नहीं आएगा खुद को टाइम देना एक बार सोचना ठीक है यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिख रही है 35 फाइव फैक्टोरियल थर्टी सिक्स फैक्टोरियल अगर आपने इसके पिछले वाले को नोटिस किया होगा क्यों ये बंदा परफेक्ट स्क्वायर हुआ इसलिए हुआ क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था ये तो डबलेट बन गया मतलब स्क्वायर आ गया ये परफेक्ट स्क्वायर था और तो धाड़ से आंसर आ गया जस्ट लाइक दिस अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ऐसा कोई सीन बन रहा है क्या फ, अरे फर्स्ट वाले में ही दे दिया ये रहा 35 फैक्टोरियल वो तो है ही सही इस 36 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ थर्टी सिक्स इंटू थर्टी फाइव का फैक्टोरियल ये रहा और ये रहा अरे यार ये तो क्या ही हो गया सिक्स का स्क्वायर थर्टी फाइव का फैक्टोरियल ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन कैन यू बिलीव दिस सेट आंसर आ चुका अपने पास बाकी थर्टी सिक्स फैक्टोरियल थर्टी फैक्टोरियल थर्टी सेवन को अगर आप करना भी चाहते हो कुछ तो ये हो गया थर्टी सेवन इंटू थर्टी सिक्स का फैक्टोरियल तो ये अपना स्क्वायर पावर हो गया क्या ही करूँगा इसका मैं थर्टी सेवन को मैं कुछ कर ही नहीं सकता और इसी तरह से बाकी के लिए भी इस तरह का एक्सप्लेनेशन वैलिड है एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है क्या ना सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर ध्यान रखिएगा अगर आप कम से कम वन से लेकर ट्वेंटी तक कभी परफेक्ट क्यूब याद रखते हैं इट्स ऑलवेज अ वेरी वेरी गुड आइडिया मैं आपको इतनी देर से प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ प्राइम नंबर स्क्वायर ये सब के बारे में कई बार आजकल एग्जाम में ना यार प्राइम नंबर के क्यूब करके पूछ लेते हैं जैसे अब आप खुद सोचना अब आप देखना जैसे कि थ्री फोर्टी थ्री मुझे नहीं पता ना क्या है वो आपको सोचना ना मैं नहीं बता रहा वन थ्री थ्री वन क्या बढ़िया है यार ध्यान से ये ये दे ये क्वेश्चन मेरा नहीं ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन भाई देव ठीक है मैं लिखी देता हूँ इनफैक्ट टू जीरो वन नाइन में पूछा हुआ क्वेश्चन भाई साहब ये यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया क्या पता क्या चीज है फोर नाइन वन थ्री अगर आपको देखिए थोड़ा सा आइडिया है ये सब चीज़ों को पता क्या क्या करो ये सब एक वाइट पीस ऑफ पेपर लो वन से लेकर हंड्रेड तक का स्क्वायर लिख डालो वन से लेकर बीस तक का क्यूब लिख दो और चिपका दो टाइटल के सामने सर चिपकाने से क्या होगा चिपकाने से कुछ नहीं था भाई डेली पढ़ने से होता है फिर उसको आप डेली पढ़ो फिर आप देखो क्या मजा आता है आपको ठीक है भाई चलो ये क्या चीज़ दे रखा है इन्होंने सेवन का क्यूब दे रखा है ये क्या चीज़ दे रखा है इन्होंने इलेवन का क्यूब दे रखा है मस्त यार इसके बाद ये क्या दे रखा है ये दे रखा है सेवनटीन का क्यूब तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है यहाँ आएगा थर्टीन का क्यूब टू वन नाइन सेवन एकदम मस्त टाइप से क्लियर है कि टू वन नाइन सेवन एकदम बेहतरीन तरीके से सुपर तरीके से सभी को क्लियर है कि नहीं राइट मस्ट टाइप से क्लियर है यार आजकल ना बहुत सारे एग्जाम में इवन ऑड इवन ऑड ये वाली चीज़ भी बहुत आती है एक नोट और लिखो आप कौन सा नोट सर सभी लोग मेरे साथ नंबर सिस्टम के प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भैया ना क्या नोट्स बनाएंगे आगे इवन प्लस इवन इवन प्लस ऑड ऑड प्लस ऑड इन सभी का आपको आउटकम मुझे बताना है ठीक है भाई आगे Even minus even, even minus odd, odd minus odd. ये आपको बताना है वीडियो को पॉज करके ना आप लोग अभी नहीं तो हाँ पूरा लिख देता हूँ उसके बाद आराम से पहले सबका आउटकम निकालना है ठीक है ऑड इंटू ऑड मतलब प्लस पॉइंट मतलब, बहुत बेसिक चीज पूछा था कुछ पूछा नहीं है तो जब even नंबर को मैं ऐड करूँ एक even नंबर से या इवन को ऐड करो एक ऑड नंबर से या दो ऑड नंबर को ऐड करो जस्ट लाइक दिस तो आप मुझे आराम से सभी को देख लो पहले और आंसर मुझे बताना वीडियो को पॉज करना तो पॉज कर दो इवन नंबर प्लस इवन नंबर ये एक ऑलवेज एक इवन नंबर है टू प्लस वन ऑलवेज एक ऑड नंबर ही होगा ऑफकोर्स इनफैक्ट एक काम करें क्या मैं इवन पहले सभी एक कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो ये हो गया इवन इवन माइनस इवन ये भी हो गया इवन ऑड माइनस ऑड ये रहा इवन मल्टीप्लीकेशन में कोई एक इवन है तो आउटकम तो इवन आएगा ही ये लो बहुत सही और बाकी जितने भी केसेस बच रहे हैं वहाँ पे कौन है ऑर्ड है इवन प्लस ऑड डेफिनेटली एक ऑड नंबर डेफिनेटली एक ऑड नंबर डेफिनेटली एक ऑड नंबर मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको मस्त टाइप से क्लियर होगा सर एक क्वेश्चन पूछते हैं क्या आप ताज्जुब करोगे मैं आपको बताऊंगा तो एस से लेके गेट के एग्जाम से लेके इंजीनियरिंग सर्विस से लेके कैट जी तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम्पल टू में क्वेश्चन पूछा गया 2017 ऊपर लिख रहा से आपको विजिबल है हाँ, विजिबल है 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया ध्यान से सुनिएगा उसमें यह बोला गया था कि ए एंड बी एक इंटीजर्स हैं एक मिनट रुक जाओ पहले मैं इंटीजर तो बोल देता हूँ आपको है ना मुझे मालूम है कि आपको पता होगा लेकिन फिर भी जब आप बोलते हो ना इंटीजर्स इंटीजर्स का मतलब होता है बड़े से नोट्स बनाते चलना ठीक है जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन अब इसमें जब आप बोलते हो इवन इंटीजर्स इवन और एक जब बोलते हो ऑड इंटीजर्स तो जब आप इवन इंटीजर्स बोलते हो ये होता है ज़ीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर एंड ऑन और इंटीजियर जब आप बोलते हो ये होता है प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव एंड सो क्लियर हो सभी को ठीक है अब जैसे आते हैं यहाँ पे सवाल में हमें ये बोला गया कि ए एंड बी क्या है एक इंटीजर है और हमें बोला गया ए माइनस बी इवन ही आ रहा है तो हमसे पूछा गया विच द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू अब देखो आप पहले समझो हमें क्या बोला गया ए बी इनके बारे में क्या बोला गया ये इंटीजर है और हमें ये भी बोला गया कि इसके साथ साथ ए माइनस बी का आउटकम ये इवन आ रहा है ठीक है और फिर हमें बोला गया नीचे जो भी चीज़ें दी गई है मस्ट बी ट्रू ये ना यार अपने आप में क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन करता है ध्यान रखना मस्ट और कुड ये दो एकदम अलग अलग चीज़ें कुड बी ट्रू मतलब ठीक है कुछ केसेस में गलत भी होगा ट्रू होगा दोनों चलेगा मस्ट मतलब हमेशा ट्रू होना चाहिए ठीक है मैं ऑप्शन लिखूँ उसके पहले आप एक चीज़ समझें यहाँ पे लिखा जब a माइनस बी ईवन तो खुद सोचो यहाँ पे क्या क्या केसेस हो सकते हैं ईवन माइनस ई भी हो सकता है और ऑड माइनस ऑड भी हो सकता है ये दोनों के दोनों केसेस ईवन आउटकम जनरेट कर सकते हैं ये एक्चुअल आपको मैं ऑप्शन देता हूँ ये था ऑप्शन ए बी मैं जो ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ एक्चुअल में आपको दिए गए थे दूसरा ऑप्शन था ए स्क्वायर प्लस बी प्लस वन तीसरा जो ऑप्शन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन आप ऑप्शन दे रहे हो कितना बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है चौथा ऑप्शन जो था वो था ए बी माइनस बी मस्त ऑप्शन देखो इसमें से दो ऑप्शन तो ऐसे बकवास है बी एन सी लेकिन दो ऑप्शन ए एन डी बहुत बड़े ऑप्शन है अब जैसे आप लोगों ने ये देखा कि भाई इनका डिफरेंस आना चाहिए ठीक है इनका डिफरेंस इवन होना चाहिए अब आप यहाँ पे देखो तो जब दोनों के दोनों विच द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू ध्यान से सुना विच द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू क्या विच द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू मतलब मस्ट बी इवन ये क्वेश्चन था मस्ट बी ट्रू किस चीज़ के लिए कि नीचे दिए गए ऑप्शन जो है हमेशा इवन होना चाहिए मस्ट बी ट्रू कि ये लोग ऑलवेज ईवन होने चाहिए ठीक है क्लियर सभी को चलो अगर ये है तो फिर कौन सा ऐसा है जिसमें मस्ट बी ईवन होना चाहिए वो हमेशा ट्रू होना चाहिए चलो देखते हैं यार अगर मैं इसको इवन इन ईवन लेता हूँ तब तो, तो ये होगा लेकिन एक बात हो जब मैं ऑड ऑड लेता हूँ ना तब तो ईवन नहीं होगा ना ये हो गया गलत ओ सॉरी ये तो ट्रू था यही फर्क होता है कुड और मस्ट में अगर यहाँ पे कुड लिखा होता ना ये एक प्रोबेबल आंसर होता है लेकिन मस्ट में गलत हो गया ये तो छोड़ दे अगर दोनों इवन भी है तो इवन प्लस इवन हो गया इवन प्लस वन तो ये ऑड आ गया इसलिए मैं आपको बोला ना ये बकवास ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन में सी ऑप्शन में आओ ये हो गया इवन प्लस इवन प्लस वन तो ये ऑड हो गया हटा वैसे भी यहाँ पे आ जाओ जब दोनों इवन है तो क्या हो रहा है और जब दोनों ऑर्ड है तो अल्टीमेटली क्या आना चाहिए हमेशा ईवन आना चाहिए चलो देखते हैं हो 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 गया even, even even odd odd हो गया odd, odd odd हो गया माइनस माइनस ठीक है है भी हमेशा मतलब सर अब ये बोलना चाहते हैं इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यस 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 एकदम जबरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट होता है सर इस टाइप के क्वेश्चन और भी आते हैं एग्जाम में ये जैसे मैंने आपको दिखाया दो हजार सत्रह में क्या पूछा था इसमें ए बी दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर लिखा था क्या नहीं नेगेटिव इंटीजर लिखा था क्या नहीं सिर्फ लिखा था इंटीजर्स हैं और उसने बोला था ए माइनस भी जो है ये इवन है तो विच द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू क्या कि सारे के जो विच द फॉलोइंग मस्ट बी ईवन और ये हमेशा ट्रू होना चाहिए मस्ट बी ट्रू होना चाहिए मस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बहुत ही बेहतरीन वर्ड है मिस मत कीजिएगा इस चीज़ को ठीक है एक काम करते हैं ना मैं इसी तरह का आपको एक इसी तरह का आपको एक सवाल देता हूँ असाइनमेंट के लिए ये जो क्वेश्चन देने जा रहा है टू थाउजेंड में पूछा था फिर से काम करते हैं वैसे ही केस लेता हूँ कि ए एंड बी एक इंटीजर ए एंड बी दोनों के दोनों इंटीजर हैं इस बार आपको एक पर्टिकुलर कुछ फॉर्मेट दे दिया और मैंने आपको बोला कि ये भाई ये ऑड है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा राइट चलो ये आपको बनाना है क्वेश्चन ये मेरा क्वेश्चन नहीं ये एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन आप जब बनाओगे ना टॉपिक बाय टॉपिक आपको बहुत मजा आएगा ठीक है इस क्वेश्चन में ये दिया गया था कि ए बी ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं ठीक है ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं ये उन्होंने क्लियरली दे रखा था फिर आगे इन्होंने ये बोला था कि ए प्लस ए स्क्वायर इन टू बी क्यूब सो ए प्लस ए स्क्वाय इन बी क्यूब ये वाली चीज़ जो है ना ऑड है ये तो खैर है ही ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था तो अगर ऐसा है तो विच द फॉलोइंग इज ट्रू कंडीशंस दिए हुए ये कौन कौन से कंडीशंस दिए हुए रुक जाओ कंडीशंस दिए हुए ये कौन से कंडीशन दिए हुए चलिए ये चार ऑप्शन है इसमें से आपको आंसर मार्क करना होगा ना कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर लिखना ध्यान रखिएगा ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन थर्ड और ये फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ए बी दोनों के बारे में दोनों के दोनों ऑर्ड है ये ऑर्ड है ये इवन है ये इवन है ये ऑड है, है या फिर दोनों के दोनों ईवन है क्लियर है सभी को मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है डिटेल में इसका आंसर लिखना है देखते हैं आप में से कितने लोग कितना करेक्ट आंसर लिख सकते हैं मस्ट टाइप से फुल फुल इसको एलैबोट कीजिएगा मुझे बताइएगा ये जो हम लोग सेशन डिस्कस कर रहे हैं चाहे चार बजे वाला सेशन डिस्कस कर रहे हैं चाहे मॉर्निंग का सेशन चाहे ये सेशन स्पेशली ये सेशन जो एट पी पे हम लोग के लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ पूरा का पूरा एक टॉपिक हम नंबर सिस्टम पर डिस्कशन कर रहे हैं धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली और टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे मुझे बताइएगा ये टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपको एकदम एक एक चीज़ क्लियर है कि नहीं मस्त तरीके से मज़ा आ रहा है कि नहीं आपको उस टॉपिक में राइट देखिए आज नहीं तो कल कभी ना कभी ना हमको ये लगता है कि यार प्रोबेबली शायद एम आई नॉट गुड इनफ मैं आपको एक बात बताता हूँ इट्स एब्सोटली फाइन अगर आप इसके पहले तक अच्छा किए नहीं किए एब्सोलूटली फाइन स्टे अनफिनिश्ड not undefeated कमेंट बॉक्स में लाइन लिखिएगा स्टे अनफिनिश्ड नॉट अनडीफीटेड लाइफ में कई जगह पे अगर आप हार भी गए होंगे फेल भी हो गए कोई बात नहीं कोई भी बड़ी बात नहीं आपको मैं बताता हूँ. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपोर्टेंट इज हाउ यू फिनिश आई करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी विडियोस विडियोस आपको आप वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं सारे के सारे वीडियोस देख सबसे पहले आपको मैं जरूर बोलूंगा अपना कैडैमिक ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा करंट सबसे पहली चीज तो YouTube में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर सारे के सारे वीडियो अन अकेडमी के आप, मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ दो तीन कारण है पहली चीज सबसे पहली चीज़ आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अन लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच भाई साहब गजब का मौका है आपके पास इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है कारण देखिए आज के टाइम पे ना यार इफॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है इट इज़ द क्रेडिबिलिटी इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इम्पोटें थिंग एम एंड वॉफ ऑल दिस क्यूस वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस अन अकेडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से दूसरी चीज़ द मोस्ट ऑथेंटिक कॉन्टेंट द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग तो कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी आने के जो कॉम्बैट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा ये एवरी संडे हो रहा है यार इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार मैकेनिकल के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए सिविल के लिए ई के लिए सभी के लिए होगा सिविल इंजीनियरिंग के लिए सी एस के लिए सभी के लिए डेट जरूर नोट करके रखिये फोर्थ इलेवेंथ एटीनथ ट्वेंटी और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज कीजिएगा एस टी ट्वेंटी सिक्स एस टी मतलब मैं सौरभ ठाकुर ट्वेंटी सिक्स यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ एस टी टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है दिस द प्राइस अमाउंट इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा आपको हर अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं सर इट किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट देखिए जब इस टेस्ट को देंगे आप सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए डबल ई के लिए ईसी के लिए सी एस सभी के लिए सिक्सटी मिनट्स का टेस्ट होगा क्या होता है यार जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे फियर इज अ अडी लायर इफ यू कंट बीट फियर देन डू इट केयर तो डर के काम कीजिए लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है इट इज नॉट द सक्सेस इट इज नॉट द फेलियर इट इज अरोइम दैट मैटर्स द मोस्ट अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आई इवॉल्व करते आई वही अल्टीमेट चीज है लाइफ का जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे तो दो चीज़ें आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा और अपने आप को चैलेंज करने का अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें एनरोल कीजिएगा जैसा मैंने आपको बताया इलेवन एम संडे ये ब्लॉक कर दीजिए टाइम देखिए हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है टाइम कभी इनफ नहीं होता है ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नवर गेट मोर टाइम हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है और आपको मैं एक बात आता हूँ आप में से जिनको ऐसा लगता हो सर अगर मेरा अच्छा नहीं आया तो नोबडी केस फाइट अलोन ड्रीम इट जो भी आपका ड्रीम है व्हाट एवर यू आर वॉट एवर यू एव ड्रेमड वन लाइफ ड्रीम मोर वन लाइफ डेयर मोर गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा 60 मिनट का टेस्ट है होनोस अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100 परसेंट स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री है तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए बाकी आपकी इच्छा है आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पर आए होंगे यार ये स्क्रीन पर जो है ये मेरे क्रीडेंशियल्स हैं मस्त तरीके से देखिएगा तीन प्रॉमिस मेरी तरफ से तीन कमेंडमेंट्स मेरी तरफ से पहला आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्यूटली फ्री ये मेरा प्रॉमिस है मंडे टू थर्सडे मंडे टू थर्सडे इलेवन एम ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अकेडमी ऐप पे एब्सोल्यूटली फ्री और जब नहीं भी रहता है तब आप वहां पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं एस टी ट्वेंटी सिक्स ये लिख के मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में देखिएगा और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा कुछ बेहतरीन कर दूंगा जबरदस्त कर दूंगा सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखाऊँ वट एवर ऑफ़ इन डाउट टेक एक्शन इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा तो आप ज्यादा मत सोचना इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना मेरा प्रॉमिस आपको आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी जो मेरा कोर्स है उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा तो उसके पहले, उसके पहले पहले अप्रैल सेकंड वीक में जो फटाफट -फड़ ज्वाइन करने वाली चीज है वो कर लेना जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहां पर मेरे आपको हर हफ्ते चार लाइव क्लासेस मिलेंगी वहां पर हर हफ्ते आपको एक डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा वहां पर हर हफ्ते आपको एक वीकली टेस्ट मिलेगा उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूंगा वो भी फ्री जाएगा ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में एंड दूसरी बात मजेदार बात यह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा इसमें आपको गजब का वन टू वन मेंटोरशिप मिलेगा चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक वो आपकी इच्छा है आप 12 महीने के लिए चाहे 18 महीने के लिए चाहे 24 महीने के लिए मैं आपको बता ना आज के टाइम पे इतना नॉइज है इतना क्यूज है वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस वो इंपॉर्टेंट है ना कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढूं व्हाट इज इनफ इनफ इज नॉट अ नंबर ज द वेरी बेस्ट ऑफ यूर एबिलिटीज आप देखिएगा हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज तक पुल कर देंगे जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए आपको मजा आएगा हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा जिनको ऐसा लगता है सर आई डों नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं मैं आपको एक बात आता हूँ एक परसेंट लोगों को छोड़ दी वो हो जीनियस होते हैं अदरवाइज जीनियस इज ओवर रेटेड इट इज द लेबरशेज द वर्क गजब तरीके से चलिएगा प्रॉमिस कीजिएगा राइज अब द लिटिल थिंग हमारे पास हमेशा चांस होता है यार वी कैन ऑलवेज लीव अर मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिजाइन अवर लाइफ तो गजब तरीके से डिजाइन कीजिएगा इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे ये अमाउंट पे मत कीजिएगा एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा एस टी में भी यूज़ कीजिएगा और यहां पर भी यूज़ कीजिएगा आपको मस्त मजा आएगा क्योंकि तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का जो थर्ड जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार उनको मैं बताया था ये लीजिएगा और जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनको भी बताएता हूँ ये और ये अमाउंट पे मत कर देना एस टी ये यूज़ करना बाई द वे एस टी यूनिवर्सल कोड है ये आप चाहे गेट ई की तैयारी कर रहे हैं कैट की तैयारी कर रहे हैं बैंक की आपके एस की तैयारी कर रहे हैं जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप चाहे तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? सर आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आते है आते हैं यार आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ राइट इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अन अकेडमी जो फ्री सेशनस होते हैं उसके नोट्स आपको एंड एक्सप्रेशन सॉर सौर ऑफिशल इन दो जगहों पर मिलेंगे देख सकते हैं आप हम लोग हंड्रेड के बहुत करें बस फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो तभी तो मज़ा आएगा पहला पढ़ाओ तो अपन पार करें ना या पहले अपन लोग हंड्रेड के तो क्रॉस करें एक बार दो मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते देखो गेट ही ए में आएंगे यहाँ पर मिलूंगा मैं दो मिलियन हुआ है मेरे लिए ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं लेकिन धन्यवाद मेरे लिए बड़ी बात नहीं कहने का मतलब मेरा एक सपना है ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ मेरा एक सपना है ये अपने को हंड्रेड मिलियन चाहिए हंड्रेड मिलियन विद इन दिस ईयर सीधी सी बात है यार एक सपना है वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए जो उस रिवोल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है मैं आप हम सब मिल ला सकते हैं क्या मतलब है सर रिवोल्यूशन का जब एक स्टूडेंट ये बोलते हैं हम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स तब तो ये अपने आप हंड्रेड मिलियन हो जाएगा तो बाई प्रोडक्ट है एकदम गजब टाइप से बनाएंगे ये फॉलो कर लीजिएगा आप अब जहां पर भी मुझसे पढ़ते हैं अगर आपको पढ़ने में मजा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है तभी तो मजा आएगा यार पढ़ के अब मैं आपको जो बोल रहा था इस तरह से नीचे आइएगा इसको क्लिक कीजिएगा स्पेशल क्लास को ये ऑल को जितने भी क्लासेस जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था इस तरह से बहुत सारे सेशन में लेते रहता हूँ इसमें आपको क्वान्ट की सेशन आप एक काम करो ना क्लिक किया तो आपने ये खुल गया अब जितने भी वीडियोज़ हैं एस टी ट्वेंटी सिक्स लिखेंगे सब चले जाएंगे क्वान्ट है रीजनिंग है आपको जोमेट्री के हैं और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग की बहुत सारे वीडियोज हैं ठीक है ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है नाइनटीथ को मैंने क्या पढ़ाया ट्वेंटी टू को क्या पढ़ाया

तीन की वर्ड्स लिखेगा प्रैक्टिस परफॉर्म रिपीट बार 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 एफर्ट देते जाएंगे मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बब बड़ी टेक केयर जय हिंद